नमस्कार ओम शांति, स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। आप देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। राजस्थान के बारा में शुरू हुआ महाशिवरात्रि महोत्सव, 5 दिवसीय संपूर्ण सुख शांति आध्यात्मिक मेला। किसान सशक्तिकरण अभियान का भी हुआ आगाज, बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन विषय पर भी मंथन। करनाल के हुड्डा पार्क में ओम नमः शिवाय महाजाप उत्सव, ब्रह्मा कुमारी तथा शिव शक्ति जागृति मंच का प्रयास। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अरबों जाप का होगा आयोजन। नई दिल्ली के सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में राजयोग द्वारा व्यक्तित्व विकास पर संगोष्ठी, व्यक्तित्व निर्माण में राजयोग की भूमिका को बताया अहम। फरीदाबाद के NIT सेवा केंद्र पर तनाव घटे कैसे, व्यापार बढ़े कैसे विषय पर कार्यक्रम, बीके पीयूष ने सिखाए तनाव पर नियंत्रण पाने के तरीके। मध्य प्रदेश के बैतूल तथा सागर में चला बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान, राजयोग से होगा महिलाओं का आंतरिक विकास, राजस्थान के रावतसर में भी कार्यक्रम। इंदौर में पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ की 8वीं पुण्यतिथि पर ब्रह्मा कुमारी आमंत्रित, जरूरतमंदों को मुफ्त में वितरित की सिलाई मशीन समेत अन्य कई आवश्यक वस्तुएं। और लांस नायक हनुमान थप्पा की स्मृति में फरीदाबाद के NIT सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि सभा, कई धर्म के प्रतिनिधि हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के कोटा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पहली बार बारा में महाशिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत संपूर्ण सुख शांति आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ जिला विकास अधिकारी दिलीप यादव, जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, अध्यक्ष प्रेम साखला, दिल्ली के पलवन से बीके राजेंद्र, भोपाल से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बीके रानी, कोटा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिला, इंदौर के रामबाग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके छाया ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति से अतिथियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संस्थान द्वारा महिला एवं किसान समेत अन्य वर्गों के लिए चलाए जा रहे अभियानों की प्रशंसा की और ऐसे श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं भी दी। वहीं बीके बहनों ने जीवन में पुनः सुख शांति का संचार करने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने के लिए राजयोग की विधि से अवगत कराया। भविष्य हमारा उज्ज्वल होगा, जब आम आदमी की सोच सुंदर होगी, साफ सुथरी होगी और वो विकास के साथ साथ मानव मूल्यों का भी पालन करेंगे। आपने अनेक मेले देखे होंगे, लेकिन ये जो आध्यात्मिक मेला है जिसका रिलेशन हमारे खुद से है, हमारी आत्मा से है। प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तव में सुख और शांति कोई पैसों से नहीं खरीदी जाती है, किसी साधनों के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती है। ये सुख और शांति देने वाला एकमात्र है परम पिता परमात्मा, जो सुख का सागर है, शांति का सागर है और आनंद का सागर है। इस कार्यक्रम के दौरान किसान सशक्तिकरण अभियान की जानकारी देते हुए बीके राजेंद्र ने स्वयं को सशक्त बनाने के लिए खेती में राजयोग का उपयोग करने की सलाह दी। इसके साथ ही व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। कैंसर क्यों हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, शुगर क्यों हो रहा है, क्योंकि आज जो भी हम खाद्यान्न पदार्थ खा रहे हैं सबके अंदर अधिक मात्रा में रासायनिक का उपयोग, हर घर के अंदर आज कोई ना कोई बीमारी व्याप्त है। इस महोत्सव के दौरान बीके रानी ने राजयोग के निरंतर अभ्यास का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए अपने बालों से 8 टन वजनी गाड़ी खींची और इस हैरतअंगेज कारनामे से उपस्थित लोगों को अचंभित कर दिया। वहीं बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन विषय पर चर्चा करते हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। अगर हम अपना तन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो स्वस्थ तन मिलता है, मन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो स्वस्थ मन मिलता है, और धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो स्वस्थ धन मिलता है, अर्थात हम कभी गरीब नहीं होते। महोत्सव में चैतन्य देवियों की मनोरम झांकी तथा व्यसन मुक्त चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसका हजारों की संख्या में लोगों ने अवलोकन किया।
वहीं शहर में विशाल शोभा यात्रा निकालकर लोगों को परमात्म अवतरण का संदेश भी दिया गया। हरियाणा करनाल में सेक्टर 12 के हुड्डा पार्क में 12 दिवसीय ओम नमः शिवाय महाजाप उत्सव का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के सदर बाजार स्थित शिव स्मृति भवन तथा शिव शक्ति जागृति मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस उत्सव के शुभारंभ पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक संस्था के प्रधान सतपाल मनोजा, सेवा केंद्र प्रभारी बी के किरण समेत शहर के अन्य कई वरिष्ठ विभूतियों ने मुख्य रूप से सहभागिता की। सभी शोभा यात्रा से ये संदेश ले, भोलेनाथ हम सबके साथ हैं, वो हमारे सर्व आत्माओं के पिता हैं, वो इस धरती पर आ चुके हैं और हम सबको बुला रहे हैं, सारी दुनिया का मददगार हमें सतयुग की स्थापना में मदद करने के लिए हमें पुकार रहा है। परमात्मा के दिव्य अवतरण का संदेश देते हुए इस यात्रा में संस्थान के सदस्यों ने बैंड बाजों, वाहनों तथा रथ में विराजमान शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बारह दिवसीय इस उत्सव में द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन, पहाड़ी पर भव्य अमरनाथ दर्शन, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस खजानों का स्टॉल, राजयोग द्वारा अंतर जगत की यात्रा समेत अज्ञान निद्रा में सोया 18 फुट का कुंभकर्ण मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए ओम नमः शिवाय के 11 अरब 11 करोड़ 11 लाख 11 हजार 1111 जाप भी आयोजित किए गए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने मेले का अवलोकन किया। नई दिल्ली के लोधी रोड में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निगमित कार्यालय में ब्रह्मा कुमारीज ने राजयोग द्वारा व्यक्तित्व विकास विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने व्यक्तित्व निर्माण में राजयोग की भूमिका को अहम बताया, साथ ही स्वयं के वास्तविक स्वरूप की भी जानकारी दी। आज हमारे पास इनोवेशन क्यों नहीं है, आज क्रिएटिविटी क्यों नहीं है, आज न्यूनेस क्यों नहीं है? बिकॉज माय माइंड इज ऑलवेज डाइवर्टेड, सो मेनी फाइल्स आई हैव केप्ट ओपन एट वन टाइम। इस दौरान परिचालन की अपर महाप्रबंधक सरस्वती देवी ने कार्यक्रम की सराहना की और इस संगोष्ठी को स्वयं तथा औरों के लिए लाभदायी बताया। इस कार्यक्रम में 40 वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों ने मुख्य रूप से सहभागिता की। फरीदाबाद के एनआईटी सेवा केंद्र पर व्यापार एवं उद्योग प्रभाग तथा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फरीदाबाद द्वारा तनाव घटे कैसे, व्यापार बढ़े कैसे विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश वर्मा तथा महासचिव रामनिक प्रभाकर, एसएनजी मेटल्स के निदेशक नवनीत गुंबर, लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, राजयोग शिक्षिका बीके प्रिया मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर बीके पीयूष ने बढ़ते तनाव की गति की रोकथाम के लिए हर घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का आह्वान करते हुए उस घटना से सीखकर आगे बढ़ने की अपील की। इस कार्यक्रम में 135 से ज्यादा उद्योगपति, व्यापारी, कंपनियों के अध्यक्ष व निदेशक भी मौजूद थे। इस दौरान प्रभारी बीके उषा ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। मध्य प्रदेश के बैतूल में महिला प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के तहत विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार अलका एक्का, महिला सशक्तिकरण अधिकारी चंद्रकांता सर्राफ,
नगर पालिका अध्यक्ष अलकेश आर्य, गायत्री परिवार से डॉक्टर शैला मूले, समाज सेवी मीरा एंथनी, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र कपूर, सारिणी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके मंजू, महाराष्ट्र के अंबा जोगई से प्रभाग की सदस्य बीके सुनीता मुख्य रूप से मौजूद थी। इस अवसर पर बीके बहनों ने बेटियों व नारी जाति के सम्मान के लिए अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देने का आह्वान किया। इसके साथ ही कहा कि माँ का फर्ज बेटे तथा बेटियों को समान रूप से शिक्षित करना होता है। कौन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, जलती, अपने जो गुण है ओरिजिनल मूल गुण, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति, हर्षोन्मुखता, धैर्यता, सहनशीलता, नारी को कितना भी श्रृंगार कर लेकिन तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो कोई काम की नहीं है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि नारी सशक्तिकरण का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक सशक्त उदाहरण है। जैसे कि मेरे से पूर्व बहन ने बताया कि 85% यहाँ पर प्रशासन का कार्य ब्रह्मा कुमारी के अंदर बहने ही करते हैं। इस दौरान शहर में भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती समेत अन्य कई झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इस रैली द्वारा आम लोगों को बेटी को बचाने तथा बेटी को पढ़ाने का संदेश दिया गया। वहीं सागर में भी अभियान के तहत चक्रा घाट मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका शुभारंभ सुर्खी विधायक पारुल साहू, मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की सदस्य सरोज ठाकुर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत प्रभाग के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर प्रकाश डाला, साथ ही बेटियों को समान प्यार व शिक्षा देने की बात कही। अभियान के तहत राजस्थान के रावतसर में भी बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान चलाया गया जिसमें चूरू सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सभी को जानकारी देते हुए इस अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा समेत अन्य सदस्यों ने नगर में रैली निकालकर बेटी को पढ़ाने तथा सशक्त बनाने का संदेश दिया। इंदौर के प्रोफेसर कॉलोनी में मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड की 8वीं पुण्यतिथि पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। सिंधी कॉलोनी में मां वैष्णवी समूह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर महानगर पालिका निगम की महापौर मालिनी गौड, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष शंकर लालवानी, बीजेपी की महिला उपाध्यक्षा अंजू मखीजा, वार्ड नंबर 65 की पार्षद सरिता जवाहर मंगवानी, प्रेमनगर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके शशि, आयोजक संस्था के अध्यक्ष गोधन दलवानी, संरक्षक जयदीप सिंह गौड़ समेत अन्य कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बीके शशि ने पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मण सिंह की महिमा करते हुए बताया कि उनकी कथनी और करनी में समानता होती थी। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को 3 पहिए वाली साइकिल, व्हीलचेयर तथा सिलाई मशीन मुफ्त में वितरित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सियाचिन में 35 फीट नीचे दबे लायंस नेक हनुमान थप्पा 6 दिन जिंदा गुजारने के बाद शहीद हो गए। पूरे देश भर में इस भारतीय सैनिक की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं फरीदाबाद में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के NIT सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज तथा हिंदुस्तान हिंदी अखबार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ऊंचा गांव मस्जिद के मौलाना जमालुद्दीन, गुरुद्वारे के सेवाधार सरदार सुरजीत सिंह, हिंदू समातनी धर्माचार्य मुनिराज, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर उपस्थित प्रख्यात लोगों ने इस जाबाज सैनिक की बहादुरी को सलाम किया, साथ ही राजयोग ध्यान कर उनकी आत्म शांति की प्रार्थना की।
इस दौरान बीके उषा ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे। ओडिशा में ब्रह्मा कुमारीज के संबलपुर में नुआखुरी गांव स्थित नवनिर्मित रिट्रीट सेंटर पावन सरोवर में तनाव मुक्ति और सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राजेश्वरी पानीग्राही, माउंट आबू से राजो प्रशिक्षक बीके भगवान, सब जोन प्रभारी बीके पार्वती समेत अन्य कई बीके बहनों ने दीप जलाकर व केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज को नई दिशा देने का कार्य बहुत ही सराहनीय है। वहीं बीके भगवान ने प्रतिदिन अपने मन को सकारात्मक भोजन देने के लिए ईश्वरीय ज्ञान स्मरण करने की बात कही। माउंट आबू भी मधुवन कहो, माउंट आबू भी क्या है, शीर्ष महल है। मधुवन जाते ही अपनी कमजोरियों को महसूस करते हैं, जब क्लासेस सुनते हैं, विशेष भर्तियों की अनुमति करते हैं, समय प्रति समय इशारा देते हैं कि बच्चे अपनी चेकिंग करो, अपने को परिवर्तन करो, विचारों को कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। जिसके मन में विचार ज्यादा चलते हैं, निगेटिव सोच है, वो खुश नहीं रह सकता, घर में भी बरकत नहीं हो सकती, शांति होगी। और ऐसा व्यक्ति फिर क्या करता है, साधनों का प्रयोग करता है। साधन टीवी लाएगा और उसमें भी शांति में और अशांति, इसीलिए वर्तमान समय अपने सोच को पॉजिटिव बनाना। कार्यक्रम में रंगाली प्रधान पल्ली समेत अन्य कई स्थानों से आए लोगों ने सहभागिता की। इस अवसर पर बीके बहनों द्वारा गांव-गांव में की गई सेवाओं के लिए मुख्यालय माउंट आबू से भेजे गए स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में डीमरापुर स्थित राजयोग भवन में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भगवद गीता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी रामदास व सुनील अग्रवाल, प्रमुख बिल्डर राकेश व राजेश अग्रवाल, पतंजलि समिति के शिक्षक गोपी चंद्रा, कोरबा के बालको सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विद्या, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चित्रा समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बीके विद्या ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला तथा परमात्मा द्वारा सुनाई जा रही सच्ची गीता से सभी को अवगत कराया। इस दौरान नगर में कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने हिस्सा लिया और जन जन को ईश्वरीय संदेश दिया। राजस्थान के भरतपुर में रूपवास उपसेवा केंद्र द्वारा बसंत पशु मेले में आध्यात्मिक प्रदर्शनी एवं चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी रामप्रकाश गालव, रूपवास के प्रधान लक्ष्मी अलवेंद्र सिंह राजावत, बयाना उपसेवा केंद्र की प्रभारी बीके बबीता, रूपवास की प्रभारी बीके पूनम ने दीप जलाकर किया। आध्यात्मिकता द्वारा सुखमय परिवार विषय पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने गांव के विकास के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना आवश्यक बताया। वहीं संस्थान द्वारा किए जा रहे महान कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर बीके बहनों ने आत्मा परमात्मा के मिलन को ही बसंत बताया। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की जानकारी दी व सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के बाद एक मास तक मनाए जाने वाले पर्व हल्दी कुमकुम के तहत मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के भांडुप वेस्ट में महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट करते हुए स्वयं के भी वास्तविक स्वरूप की जानकारी दी। कोई किसी को
ऐसे नहीं झुकाता है, दादागिरी से कोई झुकेगा भी ना। चार दिन के बाद वो दादा जो है ना वो भी मार करके गए। परंतु झुकना का मतलब क्या है, जो हमारी वैल्यूज है, हमारी क्वालिटी है, वो ऑटोमेटिकली झुकाएगी। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में भांडुप विभाग की महिला अध्यक्षा प्रतिभा लाटकर ने संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी भारतीय संस्कृति को फिर से उजागर करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस अवसर पर हरिप्रभा सिंह समेत बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। यूपी में सीतापुर के विस्वान में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नए सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक अजीत मेहरोत्रा, चेयरमैन राजू जैन, स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सुमन, गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा, राजयोग शिक्षिका बीके नंदिनी मुख्य रूप से मौजूद थी। इस अवसर पर बीके सुमन ने वर्तमान समय की स्थिति का वर्णन करते हुए जीवन में मूल्यों की धारणा करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। पर आज तक 80 साल होने के बाद भी ये तपस्या हुई नहीं किसी से। ये पढ़ा तो हमने दूसरी क्लास में 6 साल के थे तब पढ़ लिया था, लेकिन अभी तक भी हमें ये तपस्या आई नहीं। तो वो उस समय हमने सिर्फ पढ़ा था, लेकिन अगर उसको जीवन में धारण करते तो हम भी तपस्वी होते। पुणे में पिंपरी के डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में इंजॉय लाइफ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सुप्रिया ने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भ्रुपति पांडे, मेडिकल स्टाफ व स्टूडेंट्स मौजूद थे। राजस्थान के सोजत सिटी में पाली के कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल चारवास तथा सरपंच चैनाराम सिरवी ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बीके मूर्ति ने उनसे मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। मध्य प्रदेश राजगढ़ के ब्यावरा में एमटीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय में मदर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर एसडीएम अंजलि शाह, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लक्ष्मी, राजयोग शिक्षिका बीके तेजस्वी मुख्य रूप से उपस्थित हुई। कार्यक्रम में बीके बहनों ने मां की महिमा करते हुए उसे शक्ति स्वरूप की मिसाल बताया। इसके साथ ही वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए स्वपरिवर्तन करने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में बीके लक्ष्मी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।